गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज ऑनलाइन ट्यूटोरियल हिंदी क्लास लेक्चर 5 में क्लास 8 के बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज आप हिंदी लिटरेचर यानी हिंदी साहित्य पढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चों, आप हिंदी साहित्य के बारे में जानेंगे कि साहित्य क्या है। सबसे पहले बच्चों, आप हिंदी साहित्य के बारे में जानेंगे कि हिंदी साहित्य क्या है। साहित्य ज्ञान राशि के संचित कोष को कहते हैं। साहित्य ज्ञान राशि का संचित कोष है। यह एकत्रित ज्ञान का भंडार है। इसके अंतर्गत काव्य, नाटक, कथा, निबंध, उपन्यास, एकांगी आदि विविध विधाओं में लिखी रचनाएं आती हैं। मैंने आप लोगों को हिंदी साहित्य के बारे में बताया। अब आप अपनी हिंदी साहित्य की बुक पढ़ेंगे। उसका फर्स्ट चैप्टर है उड़ चल हारील। यह एक कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि का उद्देश्य नव निर्माण के लिए प्रेरित करना, दृढ़ निश्चयी बनना, मेहनत तथा कर्मठता की प्रेरणा देना है। इस कविता का सारांश है कि प्रस्तुत कविता में एक पक्षी के माध्यम से डर से न घबराने, मुश्किलों से सामना करने तथा निर्भय होकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहने की सीख दी जा रही है। बच्चों, आपने साहित्य के बारे में पढ़ा तथा अपने पाठ्य पुस्तक की कविता का उद्देश्य और सारांश भी पढ़ा। अब मैं आप लोगों को इस कविता का प्रश्नोत्तर कराऊंगी। आप इसे नोटबुक में अवश्य लिखें। चलिए बच्चों, अब आप फर्स्ट चैप्टर का पहला क्वेश्चन आप लिखेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हारिल कौन है, उसकी क्या विशेषता है? क्वेश्चन नंबर क, वन का क, हारिल कौन है, उसकी क्या विशेषता है? हारिल एक हरे रंग का पक्षी है। उसकी विशेषता है कि उसके पंजे में सदैव तिनका रहता है। प्रश्न लिखेंगे आप कि हारिल कौन है, उसकी क्या विशेषता है। इस प्रश्न का उत्तर है, हारिल एक हरे रंग का पक्षी है। उसकी विशेषता है कि उसके पंजे में सदैव तिनका रहता है। प्रश्न ख है, किसकी गति नहीं रुकनी चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर होगा, जीवन की गति नहीं रुकनी चाहिए। जीवन की गति नहीं रुकनी चाहिए। प्रश्न ग है, तिनके को क्या क्या कहा गया है। इस प्रश्न का उत्तर है, तिनके को ओछा और पावन कहा गया है। तिनके को ओछा और पावन कहा गया है। बच्चों, आज के क्लास में आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। कल नेक्स्ट क्लास में लेक्चर 6 में आप लोगों को आगे का क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा। आज के लिए धन्यवाद।